सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और आज के वीडियो में अगेन रोड टू नोवे होम के थ्रू हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रो की। इलेक्ट्रो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन्स है स्पाइडरमैन का, और ये चीज आपको ट्रेलर देख के साफ पता चल रही होगी, जहां पे इलेक्ट्रो के पावर के काफी सीन्स है। और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रो वन ऑफ द कूलेस्ट विलन माना जाता है अब तक स्पाइडरमैन मूवीज का। और अगर आपने अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी नहीं देखी और आपको नहीं पता कि इलेक्ट्रो का ओरिजिन क्या है, उसकी अमेजिंग स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज में हिस्ट्री क्या रही है, उसकी पावर का सोर्स क्या है, तो आपके लिए ये वीडियो देखना जरूरी है। और अगर आपने अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 देखी है पर आप काफी कुछ भूल चुके हैं, तो आपको चीजें रिवाइज करनी होगी, क्योंकि काफी सारी चीजों का कॉन्टेक्स्ट आपको नो वे होम में देखने को मिल सकता है, जिसे शायद आप मिस कर दे। तो इस वीडियो को मिस तो बिल्कुल भी मत करना, और अगर कोई और भी नो वे होम देख रहा है तो इस वीडियो को शेयर करो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रो का ओरिजिन, उसकी पूरी हिस्ट्री, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो कि आपको नहीं पता होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रो के ओरिजिन की। तो मैक्स एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है जो कि ऑस्कॉर्प में काम कर रहा होता है। उसका नेचर इंट्रोवर्ट होता है और उसे खुद को ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा अनकूल है, लोग उसको बुली करते हैं, और इन्हीं सारी रीजंस की वजह से वो अपने आप को इन्फीरियर फील करता है। पर फिर एक इंसिडेंट होता है जहाँ पे क्रिमिनल चेस के दौरान मैक्स की लाइफ ऑलमोस्ट जाने वाली थी रोड एक्सीडेंट से, पर स्पाइडरमैन उसे बचा लेता है और वो मैक्स को रेकग्नाइज करता है, उसका नाम लेके उससे अच्छी बातें करता है। और वो मैक्स उसे पूछता है कि आखिरकार स्पाइडरमैन ने उसे क्यों बचाया, वो तो एक नॉर्मल इंसान है। तो स्पाइडरमैन उसे ऐसा कह देता है कि वो स्पेशल है और स्पाइडरमैन को भी उसकी जरूरत है। तो इसी चीज से मैक्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। मैक्स अपने पूरे रूम में स्पाइडरमैन के पोस्टर्स लगा देता है। वो बस ऐसे ही एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीने लगता है जहाँ पे उसे ऐसा लगता है कि स्पाइडरमैन उसका बेस्ट फ्रेंड है, और इसी चीज से वो काफी खुश भी होता है। और फिर वो दिन आता है जो कि हमेशा के लिए मैक्स को इलेक्ट्रो में कन्वर्ट कर देगा। वो दिन होता है मैक्स के बर्थडे का दिन, और हमेशा की तरह अपने फैंटेसी वर्ल्ड में मैक्स ऐसा अज्यूम करता है कि स्पाइडरमैन उसके लिए केक लाया है। वो अकेले ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है, पर वो खुश होता है। वो अपने काम पे जाता है, और उसी दिन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कुछ फॉल्ट आता है। उसके कलीग्स जानबूझ के या जानते हुए कि आज उसका बर्थडे है, उसे एक्स्ट्रा रुकने के लिए कहते हैं। मैक्स उन्हें कहता भी है कि सब हर कोई जा रहा है, उसका तो बर्थडे है, पर वो लोग उसे वापस बुली करते हैं और मैक्स को एक्स्ट्रा रुकना पड़ता है। और फिर मैक्स वहां पे फॉल्ट को ढूंढ लेता है। वो अपने कोवर्कर से कहता है कि वो पावर को डिफ्यूज कर दे ताकि मैक्स उसे रिपेयर कर पाए, पर वो कोवर्कर ये करने से भी मना कर देता है। तो फिर मैक्स सेफ्टी प्रिकॉशन को ध्यान में रखे बिना खुद ही उस चीज को रिपेयर करने जाता है। वहां पे उसे शॉक लगता है और वो गिर जाता है एक वाटर टैंक में, और इसे वाटर टैंक में रखी हुई है कहीं सारी जेनेटिकली इंजीनियर्ड ईल्स जो कि बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, और ये ईल्स कंटिन्यूसली मैक्स को शॉक देती है। और एट दैट पॉइंट हमें भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैक्स की डेथ हो गई होगी, पर बाद में हमें पता चलता है कि एक्चुअली में मैक्स की डेथ नहीं हुई, बल्कि इन ईल्स ने उसे भी एक चलते फिरते इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर में कन्वर्ट कर दिया है, और इसी तरह इलेक्ट्रो का जन्म होता है। और इलेक्ट्रो बनने के बाद मैक्स स्पाइडरमैन के भी अगेंस्ट हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने भी उसे नहीं बचाया, उसके फेवरेट हीरो ने उसकी हेल्प नहीं की। और इसी चीज को लेकर स्पाइडरमैन और इलेक्ट्रो के बीच में एक फाइट भी होती है, और उस फाइट के दौरान एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहां पे हमें लगता है कि स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो को कन्विंस कर लेगा, वो उसे समझा देगा, पर एक स्नाइपर की गलती की वजह से इलेक्ट्रो बिट्रेड फील करता है और वो अगेंस्ट स्पाइडरमैन से फाइट करने लगता है। और वहीं पे इलेक्ट्रो को हरा के उसे रेवन क्रॉफ्ट में भेज दिया जाता है। फिर रेवन क्रॉफ्ट में जाके हैरी ऑस्बॉर्न इलेक्ट्रो को छुड़ाता है जो कि अब गॉब्लिन बन चुका है, और वो उसे डील करता है कि स्पाइडरमैन को मारने में इलेक्ट्रो उसकी हेल्प करेगा। इसके बाद इलेक्ट्रो जाता है ऑस्कॉर्प के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पे, और वहां पे वो सारी इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस चीज की वजह से पूरे सिटी में ब्लैकआउट हो जाता है और स्पाइडरमैन को जाना ही पड़ता है इलेक्ट्रो को रोकने के लिए। फिर हमें इलेक्ट्रो और स्पाइडरमैन के बीच का बेस्ट एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिसके एंड में इलेक्ट्रो खुद ही अपने पावर के ओवर यूज की वजह से ओवरलोड हो जाता है और वहीं पे एक्सप्लोड होके उसकी डेथ हो जाती है। अब चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रो के बारे में कुछ फैक्ट्स की। तो पहला फैक्ट है मूवी और कॉमिक दोनों से, जहाँ पे इलेक्ट्रो के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करता है वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज होता जाता है और उसकी पावर्स बढ़ती जाती है, और इसी चीज की वजह से एंड में वो ओवरलोड भी हुआ था। पर वो सिग्निफिकेंट स्केल पे अपनी पावर्स को बढ़ा सकता है इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करके,
और ऐसा ही कुछ आप नो वे होम के ट्रेलर में भी देख पाएंगे, जहाँ पे एक सीन में हम देख सकते हैं कि पीछे छोटा सा इलेक्ट्रो हमें दिख रहा है जो कि ग्रिड से एनर्जी को एब्जॉर्ब या फिर इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर्स को बढ़ा रहा है। और है एक और फैक्ट कि इलेक्ट्रो अपने आप को प्योर लाइटनिंग में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है, यानी कि जरूरत पड़ने पे वो खुद प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा और अपने आप को कंडक्टर के थ्रू ट्रांसमिट कर देगा। और हाँ, इसी के साथ साथ कॉमिक्स में तो यहाँ तक है कि अगर इलेक्ट्रो अपने फुल पोटेंशियल पे हो फिर उसके पास मैग्नेटो की तरह ही मैग्नेटिज्म की पावर्स भी आ जाएगी। इलेक्ट्रो को लेकर नो वे होम का सबसे शॉकिंग फैक्ट या फिर डिटेल अब तक जो सामने आई है वो ये है कि ट्रेलर्स में या ऑफिशियल पोस्टर्स में, इवन इस वीडियो के थंबनेल में भी आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रो का कलर पूरी तरीके से येलो हो चुका है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि उसके ऊपर ब्लू कलर का एक आर्क रिएक्टर लगा हुआ है। अब इस चीज को लेकर काफी सारी फैन थियरीज है, इन सारी थियरीज को मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता, पर हाँ, इलेक्ट्रो के पास मूवी में आयरन मैन का आर्क रिएक्टर होने वाला है जो कि उसकी पावर्स को और बढ़ा देगा। तो ये चीज देखना बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इलेक्ट्रो को पावर मिलती है इलेक्ट्रिसिटी से और आर्क रिएक्टर खुद ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो इलेक्ट्रो की पावर्स बढ़ती ही जाएगी। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि इलेक्ट्रो को ये आर्क रिएक्टर तब मिला था जब टोनी के फ्यूनरल में उसे बहा दिया गया और किसी ब्लैक मार्केट की कंपनी या फिर किसी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ने इस इलेक्ट्रो के इस आर्क रिएक्टर को वहां से ले लिया और अब इस चीज का यूज इलेक्ट्रो नो वे होम में करने वाला है। और है एक लास्ट फैक्ट कि कॉमिक्स में इलेक्ट्रो कहीं सारी एविल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर रह चुका है। वो सिनिस्टर सिक्स का फाउंडिंग मेंबर था, वो फाइटफुल फोर का मेंबर था, उसने ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट को भी शायद ज्वाइन किया था, तो ऐसे कहीं सारी टीम्स का वो मेंबर रह चुका है। तो एमसीयू में भी अगर ये कैरेक्टर जिंदा रहता है तो काफी कुछ देखने को मिल सकता है। और अगर कॉमिक्स के फैक्ट की बात कर रहे हैं तो मैं एक और क्रेजी फैक्ट बताता हूँ। तो जिस तरीके से कॉमिक्स में स्पाइडर वर्स है या फिर काउंसिल ऑफ कैंग है, जहाँ पे काफी सारे कैंग द कॉन्करर अल्टरनेट यूनिवर्सेस से मिलते हैं, काउंसिल ऑफ रीड रिचर्ड्स है जहाँ पे कहीं सारे रीड रिचर्ड्स की काउंसिल होती है जो कि मल्टीवर्स से आया है, ठीक इसी तरीके से कॉमिक्स में इलेक्ट्रो की भी एक काउंसिल है जो कि मल्टीवर्स से अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रो वहां पे आते हैं और उनके बीच में एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन चलती है और इसे काउंसिल ऑफ इलेक्ट्रो कहा जाता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा क्रेजी कंसेप्ट है। और अब तो नो वे होम मूवी में इलेक्ट्रो को उसका कॉमिक एक्यूरेट क्लासिक लुक भी दिया गया है जहाँ पे उसका कलर येलो है। अब इसके पीछे का रीजन भी मूवी में ही पता चलेगा और यहाँ तक कि उसके हेड पे उसका आइकॉनिक स्टार तक है। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही। और हाँ, मैंने ग्रीन गॉब्लिन और डॉक्टर ऑक्टोपस को लेकर भी वीडियो बनाया है, उन्हें चेकआउट कर ही लेना, क्योंकि आप सबको पता है कि एमसीयू मूवीज का मजा तभी है जब आपको प्रीवियस मूवी के कॉन्टेक्स्ट पता हो। तो अगर आपका कोई फ्रेंड मूवी देखने वाला है, नो वे होम तो काफी सारे लोग देखेंगे पर सारे लोगों को इन डिटेल्स के बारे में नहीं पता होगा, सारे लोग इन कैरेक्टर्स को नहीं जानते होंगे, तो उन्हें सीरियसली सजेस्ट कीजिए कि पहले इन कैरेक्टर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जान ले, तभी आपको नो वे होम को एंजॉय करने में कंफर्टेबल फील होगा। इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।